अब बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, लंदन में भारतीयों के बीच राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। गलवान में चीन को सबक सिखाया, राजनाथ सिंह ने कहा। ग्लोबल टाइम्स के लेख का हवाला देकर बोले विद अ वीडियो, भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, रक्षा मंत्री ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन सरकार के साथ भारत की बड़ी डील, ब्रेक करिए जरा, सीधा ये स्वच्छ की बड़ी खबर। हिंद महासागर में तैनात होगा ब्रिटिश कैरियर ग्रुप विद अ वीडियो, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। 2025 में हिंद महासागर में तैनाती का प्लान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऋषि सुनक की मुलाकात में सहमति। ट्वेंटी में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। वैसा नहीं है कि भारत को आग निकालकर जो चाहे सभी करते, डिफेंस का जहां तक सवाल है, पहले हम लोग की हालत तो यह थी कि सारा का सारा हर सामान दुनिया के दूसरे देशों से हम लोग खरीदते थे। सबसे बड़े इंपोर्टर डिफेंस इक्विपमेंट्स के, डिफेंस आइटम्स के हम थे। आज हम दुनिया के टॉप 25 कंट्रीज में हम आकर खड़े हो गए हैं। अब दुनिया जानती है सच्चाई को भी, चाइना को के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं है, लेकिन हम तो सबके साथ ठीक करना चाहते हैं। आप ये कल्पना कर लीजिए, ऐसी धारणा हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर भी, उसने जो वाक्य लिखा है एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, उसका अर्थ यह होता है अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत के